Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 2023 में अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आप अपने चश्मे का नंबर हटवाने का प्लान कर रहे हैं, चश्मा पहन पहन कर तंग आ चुके हैं, चश्मे से निजात चाहते हैं, चश्मा हटाने का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आज की डेट में आपको इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या क्या पता होना जरूरी है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में हमने एक नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है सिल्क। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं चश्मा हटाने के लिए और कैसे डिसाइड करा जाता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सूटेबल रहेगी। तो देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेसिक है, PRK है, कॉन्ट्यूरा है, एपी कॉन्ट्यूरा है, स्माइल है, सिल्क है, ICL है, RLE है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि पेशेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज ये आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं पहले दूर करना चाहता हूँ। एक साइड से शुरू करते हैं। देखिए, 2023 में अगर आप चश्मा हटवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यह समझना है कि चश्मा हटाने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो तरीका है जो हम सब ने सुना होता है कि चश्मा हटवाना है तो लेजर करवा लो, और एक तरीका है कि हम एक लेंस वाली टेक्नोलॉजी से भी चश्मा हटा सकते हैं। पहले थोड़ा सा आपको लेंस वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं क्योंकि ये सिंपल है समझना। देखिए, क्या होता है कि जो लेजर वाले ऑपरेशन है वो इस जगह पर करे जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काली पुतली या कॉर्निया। लेकिन ऐसे कई सारे पेशेंट्स होंगे जिनकी आंखों में लेजर से चश्मा नहीं हटाया जा सकता। मान लीजिए चश्मे का नंबर बहुत हाई है, 8 से ऊपर है, या मान लीजिए पुतली की जो मोटाई है वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि लेजर में हम पुतली को थोड़ा सा घिस के पतला करते हैं, या आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आंखों में केराटोकोनस की प्रॉब्लम है, तो इन सारी सिचुएशंस में लेंस वाली टेक्नोलॉजी को यूज करा जाता है। लेंस में भी दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, एक ICL करके टेक्नोलॉजी है और एक RLE करके टेक्नोलॉजी है। ICL क्या चीज होती है? ICL बेसिकली एक पतला सा लेंस होता है जिसमें आपके चश्मे की पावर होती है और इस लेंस को हम आंखों के अंदर डाल देते हैं, तो एक तरह से सारी पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से आपने चश्मा नहीं पहनना। और कुछ लोग जिनमें ICL सूटेबल नहीं होगा उन लोगों में हम RLE ऑपरेशन से चश्मा हटाते हैं। RLE में हम क्या करते हैं कि आंख में एक कुदरती लेंस है, इस लेंस को निकाल लिया और इसकी जगह पर एक ऐसा लेंस डाल दिया जिसमें कुदरती लेंस और चश्मा दोनों की पावर एक ही में। यूजुअली ICL और RLE उन लोगों में यूज करे जाते हैं जो लेजर टेक्नोलॉजीज के लिए सूटेबल नहीं होते। तो हमारी प्रेफरेंस पहले लेजर के लिए रहती है, और इन केस आप लेजर के लिए सूटेबल नहीं है तो फिर हम लेंस वाली टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर जाते हैं। अब देखिए, जब हम लेजर से ऑपरेशन कर रहे हैं तो लेजर में भी ये तीन तरह से ऑपरेशन करा जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि लेजर का ऑपरेशन इस जगह पर करते हैं जिसको हम लोग काली पुतली या कॉर्निया कहते हैं। तो इस काली पुतली में जो लेजर है वो हम तीन तरीके से डाल सकते हैं। पहला तरीका है कि काली पुतली में डायरेक्ट लेजर डाल दिया, उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं PRK। बट PRK अब बहुत पुराना हो चुका है, 30 साल पुराना हो चुका है, तो PRK में जो अपग्रेडेशन आया उसको हम लोग कहते हैं एपी कॉन्ट्यूरा, या कुछ लोग इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइट लेजर। ये वाला जो ऑपरेशन है ये उन लोगों में करा जाता है
जिनकी पुतली की जो मोटाई है वो कम होती है, या कुछ स्पेसिफिक मेडिकल्स अगर आपको क्लियर करने होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल एग्जाम्स, तो उन केसेस में इसको हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें आंख में निशान बिल्कुल नहीं आता। तो काफी सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स एपिकॉन्टूर या स्ट्रीमलाइट को भी चूज करते हैं। अब नेक्स्ट तरीका जो आता है, ये आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं लेसिक। तो लेसिक तो एक तरह से हाउस होल्ड वर्ड है सबके लिए, सबने लेसिक के बारे में ऑलमोस्ट सुना हुआ है। लेसिक में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया पीआरके या एपिकॉन्टूरा में डायरेक्ट लेजर आंख में आएगा, लेसिक में हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी परत को उठाते हैं पहले। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉर्निया है, तो हमने क्या करा, एक पतली सी परत को उठा लिया और फिर लेजर डाला और इस परत को वापस रख दिया। तो थोड़ा सा मैं लेसिक के बारे में दोबारा समझा देता हूं। मान लीजिए ये किताब जो है ये कॉर्निया है, काली पुतली है। अब इसमें मुझे लेजर डालना है, तो अगर इसके ऊपर डायरेक्ट मैंने लेजर डाल दिया तो ये बन गया पीआरके, या इसका एडवांस वर्जन जो एपिकॉन्टूरा आजकल हम लोग करते हैं। और अगर इस किताब में हल्का सा ऊपर का लेयर मैंने उठा लिया, फिर लेजर को डाला और फिर इस लेयर को वापस रख दिया, तो ये बन गया आपका लेसिक, राइट। तो इसका फायदा ये हो जाता है, लेसिक इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें आज करा और कल से ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। और हफ्ता 10 दिन का थोड़ा सा प्रिकॉशन रहता है, लाइट एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं और हैवी एक्टिविटीज को आप 2 से 3 महीने बाद शुरू कर सकते हैं। तो लेसिक का जो एडवांस्ड वर्जन है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टूरा या कॉन्टूरा विजन। तो कॉन्टूरा विजन जो है ये लेसिक का एडवांस्ड वर्जन है, राइट। तो लेसिक बहुत पुराना है, 20-25 साल पुराना, कॉन्टूरा भी लेटेस्ट है। और कॉन्टूरा में जो बढ़िया बात है लेसिक से कंपेयर्ड, कि एक तो सेफ्टी बहुत ज्यादा हो गई है और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो कॉन्टूरा में आपको सुपर विजन 6.5 क्वालिटी विजन मिलता है, जो लेसिक पीआरके एपी वगैरह में नहीं मिलता। So, दो आपके प्रोसीजर्स क्लियर हो गए कि अगर मैंने डायरेक्ट लेजर डाला तो वो पीआरके है या एपिकॉन्टूरा है, अगर मैंने परत उठा के लेजर डाला तो वो लेसिक है जिसका एडवांस वर्जन कॉन्टूरा है। अब तीसरा तरीका जो है उसको हम लोग कहते हैं स्माइल। अब स्माइल क्या चीज होती है, स्माइल में हम लोग क्या करते हैं कि परत नहीं बनाते, फ्लैपलेस प्रोसीजर है स्माइल। तो क्या हुआ, ये कॉर्निया है, अब इस तरह का लेजर है कि परत बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेजर सीधा अंदर जाता है और एक पतले से टिश्यू का एक लेंटिक्यूल बना देता है, और इस लेंटिक्यूल को हम एक इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के खींच के निकाल देते हैं। तो स्माइल ने क्या करा, अब हमें कॉर्निया में फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर लेजर ने एक लेंटिक्यूल बना लिया और इसको पकड़ के हमने खींच दिया। तो अंदर ही अंदर कॉर्निया के सारा काम हो गया, लेंटिक्यूल बन गया, इसको पकड़ के निकाल दिया और चश्मे का नंबर हट गया। तो इसका क्या फायदा हो गया, अब ये एक की होल सर्जरी हो गई, इतना बड़ा फ्लैप बनाने का जरूरत नहीं है और क्वालिटी भी इसमें बहुत अच्छी आती है और रिकवरी भी फास्ट है। तो स्माइल का जो एडवांस्ड वर्जन है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है 10-15 दिन पहले, एंड ये मशीन हमारे हॉस्पिटल में आ भी चुकी है, उसका नाम है सिल्क। तो सिल्क जो है ये सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन है। अब सिल्क में क्या क्या एडवांटेजेस आए बाकी के कंपैरेटिव, ये मैं आपको सारा एक दूसरी वीडियो में बताने वाला हूं। तो लोगों के मन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब फिर ये वाला तो बढ़िया रहेगा एपिकॉन्टूरा, तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लेजर डालना है। देखिए जब भी हम पुतली के ऊपर डायरेक्ट लेजर डालते हैं, मान लीजिए मैंने आपकी स्किन पे डायरेक्टली हीट डाल दी, तो ये स्किन जल जाएगी, इसमें सूजन आएगी, लाली आएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसे जब हम ये एपिकॉन्टूरा या पीआरके प्रोसीजर जब पहले करते थे, डायरेक्ट लेजर डालते हैं, तो पेशेंट की नजर को रिकवर होने में करीब महीना लग जाता है, क्योंकि आंख में बहुत सूजन बनती है और उसी में आंख में दर्द और पानी भी बनता है। तो सोचने में तो ये अच्छा प्रोसीजर है लेकिन इसकी इंडिकेशंस बहुत कम रहती है। तो बेसिकली इतना सारा चार्ट मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर आपका चश्मा लेजर से हट रहा है
तो ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर की फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी सिल्क। सिल्क में आप एलिजिबल नहीं है तो कॉन्टूरा की प्रेफरेंस आ जाएगी, यहां एलिजिबल नहीं है तो एपी कॉन्टूरा की प्रेफरेंस आ जाएगी, यहां एलिजिबल नहीं है तो ICL की प्रेफरेंस आ जाएगी, और यहां एलिजिबल नहीं है तो RLE से हटेगा। और फिर भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनका चश्मा हट ही नहीं सकता, उन लोगों को करीब 10% लोगों को चश्मा पहनना पड़ेगा, राइट? सो ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सूट करेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पे स्ट्रीमलाइट एपी कॉन्टूरा अवेलेबल है, कॉन्टूरा अवेलेबल है, सिल्क अवेलेबल है, ICL अवेलेबल है, RLE अवेलेबल है, तभी आपको एक जेन्युइन ओपिनियन मिल पाएगी। तो सिल्क के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूं। सिल्क टेक्नोलॉजी अभी अभी लॉन्च हुई है 2023 अक्टूबर में। द ब्यूटी ऑफ सिल्क इज कि फ्लैपलेस है, एंड जो क्वालिटी आती है सिल्क में, नजर की क्वालिटी, वो सुपरविजन आती है, 6.5 सुपरविजन। सो ऑलमोस्ट कॉन्टूरा विजन जैसी क्वालिटी आती है, बहुत ही क्रिस्प विजन आती है। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिल्क इज कि 24 आवर्स रिकवरी है, आज कराया कल अपने काम पे चले जाओ। सो सिल्क के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो देने वाला हूं, छोटा सा प्रोसीजर है 10 मिनट का। इस प्रोसीजर में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज ऑपरेशन हुआ, कल नजर साफ हो गई, और कल से अपने काम पे भी लग जाओ। सो दिस इज द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी। बहुत ही जल्दी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि सिल्क में क्या क्या नया आया है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून।